एक दिन में ऑन एन एवरेज 150,000 आदमी इस दुनिया में मर जाता है। एक घंटे में 1,000 और एक मिनट में 1,000 और हर सेकेंड करीब 2 आदमी इस दुनिया से चला जाता है। बाइबल बताता है इट इज अपॉइंटेड टू डाई वंस एंड देयर आफ्टर जजमेंट। एक इंसान औसतम इस पृथ्वी में रहता है 70 ईयर्स। अगर उसी 70 ईयर्स को हम दिन में काउंट करें तो इट कम्स 25,550 डेज। अगर घंटों में हम हिसाब निकालें तो 6,13,200 आवर्स एक आदमी इस पृथ्वी में रहता है। दिन जो है सप्ताह में चला जाता है, सप्ताह जो है महीना में, और महीना सालों में, और साल जा जा के जीवन चला जाता है। मैं एक प्रभु का सेवक हूँ और मुझे अक्सर मौका मिलता है लोगों का फ्यूनरल सर्विस कराने के लिए। मैंने छोटे काफ़ी फ्यूनरल सर्विस किया है, मैंने बड़ों का भी किया है, मैंने पढ़े लिखों का भी किया है और अनपढ़ों का भी किया है। मैं पैसे वालों के भी किया हूँ और बिना पैसे वालों का भी। तो जब भी मैं फ्यूनरल सर्विस करता हूँ, मैं एक बात हमेशा पर्सनलाइज करता हूँ और वो है व्हाट इफ दिस वाज माय फ्यूनरल। ये अगर मेरा फ्यूनरल होता तो मेरे परिवारजन मुझे कैसे याद करते, कैसा पिता या कैसा पति के रूप में, कैसा भाई, कैसा बंधु के रूप में, जो विश्वासी जन है वो कैसे मेरे जीवन और मेरी सेवकाई को देखते हैं, इन सभी से बढ़कर परमेश्वर कैसे मेरे जीवन को देखते और उनका फाइनल विचार मेरे जीवन को लेके क्या होता। ये जीवन काफी छोटा है, परमेश्वर ने हमें ये जीवन दिया है क्योंकि यही जीवन डिसाइड करता है कि आने वाला जीवन हमारा क्या होगा। इटर्निटी इसी जीवन से तय होता है। कई सारे लोग बेकार की चीजों में अपने जीवन को व्यर्थ करते हैं, पैसों के पीछे पागल है, इस दुनिया के सुख चैन को पाने के लिए पागल हैं। तो ऐसे में बहुत सारी प्रमुख चीजों को इनकार कर देते हैं, जैसे परमेश्वर के लिए समय निकालना, अपने परिवार के लिए समय निकालना। छोटी छोटी बातों में लोग झगड़ते हैं, छोटी छोटी बातों में अपने परिवारजनों का दिल को तोड़ते हैं। क्यों ऐसा है? Why? वचन हमें सिखाता है प्यार में जीने को, माफी करने को। क्या होगा, एक दिन हम गुजर जाएंगे या हम अपने आखिरी सांस ले रहे होंगे। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम जब अपने जीवन को मुड़ के देखेंगे पछतावा और दर्द के अलावा कुछ नहीं होगा। नो, गॉड हैज गिवन अस दिस अपॉर्चुनिटी एज ए लाइफ, द ब्रीथ वी आर ब्रीदिंग इट्स बिकॉज ऑफ हिज ग्रेस, सो वी आर टू यूज इट फुल्ली फॉर हिज ग्लोरी। लव, शेयर, केयर, हेल्प, फॉरगिव, सर्व द लॉर्ड, लव योर गॉड विथ ऑल योर हार्ट एंड गिव जेनरसली, सर्व, एक्सप्रेस एंड स्पेंड क्वालिटी टाइम विथ योर फैमिली। अगर आपको परमेश्वर ने सेवक बनाया तो दिल से सेवक करें, जेन्यूनली परमेश्वर को, क्योंकि एक दिन हमें उनके आगे हिसाब देना होगा। बिकॉज वी आर जस्ट ट्रैवलिंग, हम इस सफर में हैं। एक दिन हमारा इटर्निटी में, जब हम अपने जीवन के लिए परमेश्वर से शाबाशी या उनसे हम फटकार को खाएंगे, तो उस वक्त हमें पछतावा नहीं होना चाहिए, हमें परमेश्वर के आगे हिसाब देना होगा, हमें एक दिन परमेश्वर को फेस करना होगा। इसीलिए इस जीवन को ऐसा जिए कि परमेश्वर महिमित हो जाए। ऐसा काम ना करे जो जिससे परमेश्वर का महिमा जो है हमारे जीवन में कम हो जाए।
लेकिन ऐसा काम हमें करना है कि परमेश्वर का नाम को हमारे द्वारा ऊंचा उठे, हमारे द्वारा परमेश्वर का नाम महिमित हो। बिकॉज गॉड हैज़ गिवन यू दिस ओनली वन लाइफ। सब कुछ एक दिन ख़त्म हो जाना है, सिर्फ आप परमेश्वर के लिए जो करते हैं वो ही रह जाएगा। तो इसीलिए आप क्या कर रहे हैं सोचिए। धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। यदि आप आशीषित हुए तो प्लीज़ इसको औरों के साथ भी शेयर करें। गॉड ब्लेस यू।